और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें जो से सब्ज़ मिर्चें हो शामिल कर देते हैं। तो जो से हमारी गोभी आलू भी मैंने डाल दिए थे, ठीक है। चिकन गोभी और आलू की रेसिपी हो गई है तैयार। बस इसका पानी हम लोगों ने ड्राई करना है, देसी घी डाल के इसको सर्व करें। सर्दियों के मौसम में आलू गोभी बहुत पसंद की जाती है, तो इसीलिए आज मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ की है शेयर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आपको मजा क्योंकि विद नाज़मी को शाह मदीद कहते हैं। आज हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों के साथ, और आज जो रेसिपी है वो है गोभी की। गोभी सब लोग बनाते हैं, सब्जियों में चकड़ी गोभी के पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आज उसी रेसिपी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको गोभी की रेसिपी सिखा रहे हैं, लेकिन किस तरह, चिकन के साथ। मेरी मम्मा बहुत मज़ेदार गोभी चिकन की रेसिपी बनाते थे और हमारे घर वालों को बहुत पसंद है, और आज उसी रिक्वेस्ट पे मेरे घर वालों की हम लोग बना रहे हैं गोभी चिकन की रेसिपी। तो उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि बिल्कुल मम्मा जैसी ही बनानी है, तो लेट्स ट्राई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए कि किस तरह मज़ेदार सी जोश चिकन गोभी की रेसिपी तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने एक दिन मैंने साइज का प्याज लिया है, उसको काट लिया है, और मैं गोभी को जो बना रही हूँ वो घी में बना रही हूँ, कुकिंग ऑयल में नहीं बना रही, क्योंकि पराठे भी बनाने होते हैं और फिर वो ऑयल में अगर पकाई हुई हो ना तो वो जो फीलिंग होती है उसकी वो बहुत मतलब पतली पतली सी रहती है, वो फिर जुड़ती नहीं है, इसलिए मैं इसको जो होता है वो घी में बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग तेल भी यूज़ कर सकते हैं, या जिस भी कुकिंग ऑयल में आप लोग पकाते हैं अपने खाने वगैरह उसमें आप पका सकते हैं, ठीक है। इसके प्याज में हल्का सा हम लोगों ने कलर देना है, और फिर मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी। पहले हम लोग चिकन तैयार करेंगे और फिर गोभी। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्याज हम लोगों ने ज़्यादा कोई पुलाव जैसे नहीं करने, बस हल्के से हम लोगों ने करने हैं सोते। अब इसके अंदर जो मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदरक टमाटर और 1 अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से भून लेते हैं। माशाल्लाह इतना हम लोगों ने इनको भूनना है, इतना पकाना है कि जब तक जो टमाटर है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है नमक हसबे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 चम्मच जो है मिर्च का, क्योंकि हम लोग थोड़ी स्पाइसी सा टच चाहिए तो मैंने थोड़ी मिर्च ज़्यादा रखी है, और 1/2 टेबल स्पून जो है वो हल्दी पाउडर है। बस सिंपल से मसाले, बस पकाने का तरीका आपको मैं बता रही हूँ, मसाले वही यूजली जो हर किचन में मौजूद होते हैं, हम कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं करते, बहुत आसान से स्पाइसिस के साथ आपको जो डेली रूटीन में हर कोई बिगनर्स हो या हाउसवाइफ हो ईजिली बना सके, वो रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कुकिंग विद नाज़मी में। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ, अपनी बाकी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स अब प्याज जो से वो मैंने भून लिए हैं, अब इस स्टेज पे 1/2 kg मैंने चिकन लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैंने डाल दिया है, और वो स्पाइसी जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबके साथ मैंने डाल दिए हैं, और अच्छे से जो चिकन का मसाला है ना वो हम लोगों ने तैयार कर लेना है, क्योंकि हम लोग चिकन वाली गोभी बना रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले चिकन को तैयार किया, फिर गोभी को बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, कब बनाएंगे, कब डालेंगे, तो मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको जो सी आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो अपने फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आप लोगों का प्यार और हमारी हौसला अफजाई। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, कितना प्यारा जो मसाला है वो भुना गया चिकन का, घी भी सतह पर आ गया, इसका मतलब जो सा मसाला है वो बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। 5 मिनट अब मैं इसको पका रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि मैंने इसके अंदर गोभी शामिल करनी है और गोभी के साथ इस चिकन को मज़ीद पकाऊँगी। अगर ज़्यादा मैंने कुक कर लिया चिकन बिल्कुल हलवा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसीलिए मैं सिर्फ इसको 5 मिनट रख रही हूँ पकने के लिए, और बाद में इसके अंदर गोभी शामिल करूँगी। तो व्यूअर्स हम लोगों ने गोभी शामिल कर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उस मसाले के साथ जो हमें चिकन का तैयार किया है। उसी बर्तन में मैंने गोभी डाली, तभी मैंने आपको कहा था कि जो उनसे चिकन है वो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि मैंने चिकन को अलग से नहीं तैयार किया, मैंने चिकन के साथ ही गोभी को डाल दिया पकने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने चिकन को ज़्यादा नहीं पकाया, ठीक है। तो अब हम इसको ढक के पकने के लिए रख देते हैं, और इतना पकाना है जब तक गोभी जो है वो हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो व्यूअर्स देखते हैं क्या सूरत हाल है, गोभी कितनी पक गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर्स पानी छोड़ दिया गोभी ने। अब हम लोग ऐसे करते हैं कि इसके पानी को ड्राई कर लेते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें जो से सब्ज़ मिर्चें हो शामिल कर देते हैं। तो जो से हमारी गोभी आलू भी मैंने डाल दिए थे,
ठीक है, चिकन गोभी और आलू की रेसिपी हो गई है तैयार। बस इसका पानी हम लोगों ने ड्राई करना है, देसी घी डाल के इसको सर्व करें। सर्दियों के मौसम में आलू गोभी बहुत पसंद की जाती है, तो इसीलिए आज मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ की है शेयर। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बस हमारी जो सी है रेसिपी हो गई बिल्कुल फाइनल, अब इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए गर्मा गर्म जो सी चिकन गोभी आलू की रेसिपी हो गई है बिल्कुल फाइनल, क्योंकि हमारे घर वालों को आलू पसंद है तो इसलिए मैंने इसके अंदर आलू भी डाल दिए। लेकिन आप लोग इसी रेसिपी को चिकन के साथ बनाएं, मटन के साथ बनाएं, बीफ के साथ बनाएं और इन्जॉय करें। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और आप लोग कह रहे हैं कि गोभी बिल्कुल भूल गई है, तो हम तो घुली हुई गोभी को पसंद करते हैं, खड़ी खड़ी गोभी को नहीं। कुछ लोग जो है वो खड़ी खड़ी गोभी को पसंद करते हैं, तो आप लोग इसको कम पका लें तो जो सी वो गोभी वो खड़ी खड़ी रहेगी, लेकिन हम इस तरह की पसंद है तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर बनाया है और इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया। तो भी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार से तरह बनाए रखना। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।